11. पशु पक्षी हमारे सहयोगी। कक्षा में अध्यापक महोदय ने प्रवेश किया। सभी बच्चों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। अध्यापक जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। अध्यापक, बच्चों, आज हम हमारे उपयोगी पक्षी एवं पशुओं के विषय में चर्चा करेंगे। आप पक्षी एवं पशुओं के विषय में कुछ भी पूछ सकते हैं। मयंक, भेड़ बकरी हमारे क्या काम आती है गुरुजी? गुरुजी, भेड़ एवं बकरी पालना अच्छा व्यवसाय है। इनकी वंश वृद्धि तेजी से होती है, अतः इन्हें पालना मुनाफे का सौदा है। सौरभ, गुरुजी, हमें गाय के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। अध्यापक, हाँ, गाय एक उपयोगी पशु है। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। गाय की हिंदू पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं। राखी, तुम बताओ और कौन कौन से पशु दूध देते हैं? गुरुजी ने राखी से पूछा। राखी, गुरुजी, भैंस, बकरी, ऊंटनी एवं भेड़ आदि भी दूध देती हैं। अध्यापक, शाबाश राखी, बच्चों, दूध एक पूर्ण आहार है। इससे हमारे शरीर का विकास होता है, अतः हमें रोजाना दूध अवश्य पीना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए तो दूध अति आवश्यक है। दूध एक संपूर्ण पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। गाय व बकरी का दूध पतला होने के कारण छोटे शिशुओं के लिए उत्तम आहार है। भेड़ तथा ऊंट का दूध कम ही आता है। दूध के अलावा कुछ पशुओं के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। पशुओं के मर जाने पर इनकी खाल से चमड़ा प्राप्त किया जाता है। इनकी हड्डियों से कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। बैल और भैंसा तो बोझा ढोने तथा हल द्वारा खेतों की जुताई के काम में लिया जाता है। कृषि कार्यों में पशुओं का उपयोग किया जाता है। इनके गोबर से गोबर गैस भी बनाई जाती है। गोबर गैस खाना पकाने एवं घर में रोशनी के काम आती है। कुछ लोग बकरी आदि का मांस खाने के काम में लेते हैं। पशुओं का गोबर खाद एवं ईंधन के रूप में भी काम आता है। अंजलि, गुरुजी, क्या घोड़ा भी एक उपयोगी पशु है? अध्यापक, हाँ, घोड़ा तांगा खींचता है। कुछ लोग इस पर सवारी भी करते हैं। मीनाक्षी, तुम बताओ, सवारी के लिए और कौन कौन से पशु प्रयोग में लाए जाते हैं? मीनाक्षी, गुरुजी, सवारी के लिए हाथी, ऊंट और खच्चर आदि पशुओं को भी काम में लाया जाता है। अध्यापक, आशुतोष, तुम कुत्ते एवं बिल्ली के विषय में क्या जानते हो? आशुतोष, गुरुजी, बिल्ली एवं कुत्ता भी पालतू पशु है। कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। कुत्ता अनजान लोगों, बिल्ली, चूहों और चोरों आदि से घर की रक्षा करता है। बिल्ली के डर से चूहे घर में नहीं आते। अध्यापक, अच्छा बताओ, बताओ आज किस पशु को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? मैं बताऊं गुरुजी, दीपक बोला। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसके पैर गद्दीदार होते हैं, इसलिए ये रेतीली जमीन पर आसानी से चल सकता है। इसका उपयोग सामान ढोने तथा सवारी करने में करते हैं। ये बिना पानी पिए भी कई दिन रह सकता है।